हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी, राहुल राखियां, फैंसी राखियों के विक्रेता एवं निर्माता, बैंक ऑफ बड़ौदा, शुभारंभ शोरूम के बाजू से, सत्कार होटल के पास, दमोह। दमोह जिले में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। आज जिले में एक दिन में 32 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि दमोह जिले में आज 32 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आज मिले मरीजों में जहां 8 हटा के हैं, वही 24 मरीज दमोह के विभिन्न इलाकों से हैं। इन इलाकों में महावीर वार्ड 4 और 5, सिविल वार्ड 4, 5, 7, जटाशंकर कॉलोनी, इमलाई आवासीय कॉलोनी सहित जबलपुर नाका क्षेत्र शामिल है। जिले में 32 नए कोरोना मरीज मिलने की खबर के बाद जिले में हड़कंप के हालात हैं। वहीं प्रशासन भी कोरोना संक्रमण से बचने आगे की तैयारियों पर चर्चा कर रहा है। संभव है कि जिले में 1-2 दिन और लॉकडाउन लगाया जाए। बहरहाल अभी इस पर निर्णय नहीं हो सका है, लेकिन तूफान टीवी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वे घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। साथ ही कोरोना से बचने शासन द्वारा दी जा रही गाइडलाइंस का पालन करें। जिले में कोरोना के 32 नए मामले सामने आने के बाद अब कुल दर्ज मामलों की संख्या जहां 155 हो गई है, वहीं एक्टिव केस 86 हैं। अब तक मिले मरीजों में 54 जिला अस्पताल में भर्ती है, वहीं एक मरीज जबलपुर, एक मरीज सागर और एक मरीज भोपाल के अस्पताल में एडमिट है। शीघ्र अति शीघ्र मकान बेचना है आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 7999889842 पर।